मौजूद हैं डॉक्टर एपी जोशुआ जिसका ताल्लुक आप जानते हैं कराची से है और खुदा ने इनको कलाम की बड़ी हिकमत दी है और अपने जलाल के लिए खुदा इन्हें गैर कौमों के अंदर और मसीहियों के अंदर भी खुदा इनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, आइए कि ये जोरदार तालियां बजाते हैं। आइए अपने कदमों को वेलकम करते हैं। भाई इब्राहिम आइए चलते पहले
ना रहे बल्कि एक बासबर रहे आमीन। खुदा यीशु मसीह ने अपनी आमद के सवाल के जवाब में आसार की दलील दी, आंधी की दलील दी, बादल आसमान जब लाल हो जाता है तो समझ जाते हो क्या है मौसम किस रूप में है। तो मेरे आने का जो वक्त है वो भी इसी तरह तुम्हें बताया, हालात बताए, वाकयात बताए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद। यीशु मसीह की आमद एक बहुत अहम मसला, और चूंकि देर हो गई है, वक्त काफी हो चुका है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जल्द आ जाऊं। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि देख मैं जल्द आ जाऊं। तुम इसराइल के चेहरों चेहरे में इस शहरों में फिर तो चुपोगे कि इतने आदम आ जाए। तो 12 सूर जो है वो तो इसराइल के सब शहरों में फिर चुके, 5 सूबों की यानी सरजमीन वो तो जमीन की इंतहा तक पहुंचे, लेकिन क्या मसीह आया? मुनादी तो हो चुकी इसराइल के सब शहरों में, मुनादी तो हो चुकी और मसीह नहीं आया। फिर मसीह ने फरमाया कि तुम में से जो मुझे सुन रहे हैं ये मौत का मजा ना चखेंगे, मेरी आमद तक मौत का मजा तो वो तो मर चुके हैं और मसीह नहीं है। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस बात का इनकार कर दिया, एक बड़े बहुत बड़े चर्च ने भी इनकार कर दिया, बहुत सी बातें इस हवाले से। और फिर ये भी मालूम होता है कि उसके आने का वादा कहां गया, जब से बाप दादा सोए उस वक्त सब कुछ वैसे, कोई तब्दीली नहीं। और वहां लिखा है कि खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज बोल समझ, ये उनकी समझ, बल्कि अपने वादे में देर नहीं करता जैसा कि बाज लोग समझते हैं। और आगे क्या लिखा है, अगली आयत क्या है याद रख, हमारे खुदा के नजदीक हमारे 1000 वर्ष कितने दिन के बराबर है? एक दिन के बराबर है। हमारे 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। चलिए पहले तो इसको दिनों को देख लेते हैं। एक टाइम फार्मूला कैलेंडर टाइम देखने का जो फार्मूला है वो हमारा कई कैलेंडर कैलेंडर्स में बहस की बहुत, हनुका का कैलेंडर है और यहूदी कैलेंडर है, टेम्पल कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, कोई सिखों का कैलेंडर है, कोई हिंदुओं का है, कई कैलेंडर वक्त को भापने नापने के कई पैमाने जो हमारे हैं इंसानों के, और हमारे 1000 वर्ष खुदा के नजदीक एक दिन के बराबर। जबूर में चले जाए तो वह लिखे पलक छपकने के बराबर। तो फिर मसीह को अब तक यानी 2023 तारीख में कितने साल हो गए आसमान पर गए, कितने साल हो गए आज सब साल कितने साल 2023 साल हो गए मसीह आ गए 2023 साल। इतना बड़ा अर्सा है ये तो महक है, इतना बड़ा अर्सा, लेकिन खुदा के नजदीक क्या है? दो दिन, और तीसरे दिन वो आ रहे हैं, तीसरे दिन वो आने वाला। सो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह की आमद जो है उसमें इसराइल के सब चेहरों में फिर मैं एक डिफिकल्टी है। दरअसल इसराइल से मुराद वो खत्ता नहीं है, 5 सूबों वाला खत्ता नहीं, इससे मुराद जहां जहां इसराइली रहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इसराइली शहर फंसे पूरी दुनिया, और वहां वहां सब तक मुरादी नहीं हो जाती, मैं नहीं आऊंगा जब तक इंजील की मुरादी पूरी दुनिया में ना हो जाए, मेरा आना नहीं होगा, ताकि सबके लिए गवाही। और इसी बुनियाद पर बैक टू जेरूसलम एक तंजीम है जो काम करती है कोरियन, ताकि जल्द से जल्द खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच जाए और मसीह की आमद मुमकिन हो जाए। अब ये जो हालात
ऊंचे और बड़े बड़े इनारे लेकिन नाकाम है, बुरी तरह से नाकाम जंग हुआ और हत्या है कि ये आप बढ़ती बढ़ती थी तीसरी आदमी जंग की सूरत तैयार करते अब कार्य करने में दुनिया इंसान नाकाम हो चुके हैं। खुदा की खुशी इस दुनिया में आकर हजार साल तक मुकद्दसीन के साथ मुकद्दसीन मसीह के साथ बात सही करेंगे और फिर रीछ और बकरी शेर और है ना हवाले हैं इस तरह से बच्चा सांप के बिल में हाथ डाले कंप्लीट पीस मुमकिन होगा जब पीस ऑफ प्रिंस आए जब सलामती का शहजादा इस दुनिया में आए फिर हम कायम हो मेरे अजीजों क्या ही खूबसूरत बात है मैं सोचता हूं समझता हूं इस बात को बाइबल मुकद्दस से मेरा वास्ता 15 साल की उम्र में से 92 से मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं और अभी भी अब तक पढ़ रहा हूं लेकिन मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसी किताब ऐसी नसीहत आमूज किताब इसको जब पढ़ना शुरू करें तो एक दिल में उतरती है कलाम की तासीर आपको रूह छूता इसकी जिंदगी हम पर जाहिर होती है उन लफ्जों के अंदर जो स्पिरिट है एनॉइंटिंग है वो हमें हमारे दिलों को छूता हालेलुया इसीलिए तो ये ताजा है हर सुख और क्या ही खूब है हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत दुनिया तो सो गए हैं दुनिया तो उनको पार कर चुकी है सो चुके हैं दुनिया उनसे कटा है ताल कहीं तो कब्र में भी नहीं जाते और कब्र ब्लैक हो चुकी है कहीं पक्की कब्र है नाम रहता है निशान रहता है लेकिन कई कब्रें हैं वो तो ब्लैक हो चुकी है उनका पता नहीं क्या हमारे जो सो चुके हैं रिश्तेदार कब्रस्तान का पता होगा लेकिन कब्र का नहीं पता और लेकिन बाइबल मुकद्दस सोए हुए के हवाले से भी जो इस जहाने वाले से कुछ कर गए तो रहलत कर गए तो चले गए मर गए इस दुनिया से चले गए तो दफन है उनकी भी बात मुर्दे की क्या कौन बात तो मर जाए उसकी क्या वैल्यू है लेकिन बाइबल उसकी भी वैल्यू को मुकर्र करती है जब ये जिक्र करती है कि सोए हुओं से हम आगे हर किस आगे नहीं बढ़ेंगे उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो ताकि औरों की बाबत जो ना उम्मीद है हम ना करो अब जो सो चुके हैं उनकी बाबत ऐसी बात है कि जब हमारा एक वक्त गुजरा उनके साथ माँ बाप के साथ बहन भाइयों के साथ तो एक जज्बाती एक रिश्ता एक लगन एक मोहब्बत तो है उनके साथ जिसकी वजह से एक गम है लेकिन बाइबल मुकद्दस इस गम को रफा करती है क्या कहती है उनकी बाबत जो ना उम्मीद है कौन ना उम्मीद है गैर मसीही ना उम्मीद है उसके पास कोई उम्मीद नहीं है सिर्फ चंद चीजें गिनने और कुछ लेकिन हमारे पास उम्मीद है सोए हुओं के हवाले से भी हमारे पास उम्मीद है क्योंकि उम्मीद है सोए हुओं के जी उठने की उम्मीद है तो फिर गम ना दलील आगे क्या है गम ना करने उम्मीद और दलील क्या है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आए हमें मेरे चीजों हकायक फैक्ट्स स्पिरिचुअल फैक्ट्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मसीह का मरना और मसीह का जी उठना इस गम कर ना करने की और जो सोए हुए हैं उनके हवाले से गम ना करने की और उनके
दोबारा जिंदा होने की दलील क्या है? मसीह का मरना क्यों मर गया था? मसीह का फिर जी उठना दलील है उस खम ना करने की और सोए हुओं के मुर्दों में से जिंदा होने की दलील है कि मसीह मर गया हमारे नाम हमें मसीह मर गया फिर जी उठा ये है दलील। और जो मसीह की मौत का इनकार करते हैं मसीह की कयामत का इनकार करते हैं वो महरूम हो जाए इस फजल इस मौके से महरूम लेकिन हमारा अकीदा है कि मैं ईमान रखता हूं कि पेंटेकोस्ट के दौर में मसीह मसलूब हुआ मर गया मसलूब हुआ फिर क्या लिखा है मर गया दफन हुआ तीसरे दिन मौतों में से मसलूब हुआ मर गया क्योंकि बास कहते हैं मसलूब तो हुआ मर गया हाँ मर गया दफन हुआ जी नहीं उठा तमाम साइंस का पैमाना जो है वो मरा भी है और जिंदा भी उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से जीते साथ दिया है राजे हम तुमसे खुदावत के कलाम के मुताबिक कहते हैं हम तो जिंदा हैं और खुदावत के आने तक बात रहेंगे आप जो जिंदा हैं मर चुके हैं आप जो जिंदा हैं आमीन खुदावत के आने तक बात रहेंगे सोए हुओं से हर किस आगे न बढ़े क्योंकि खुदावत खुद आसमान से ललकार और मुकर्र फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसीहे के साथ उतर आए और पहले तो वो जो मसीह में हुए हालेलुया पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे जो मसीह में मर चुके हैं हमारे अजीज रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई जो मर चुके हैं दफन हो चुके हैं वो खुदावंद उस मसीह के आने पर क्या होंगे हालेलुया जिंदा होंगे होंगे मुस्तकबिल की बात हम जो जिंदा हैं बाकी रहेंगे सोए हुए से आगे फिर क्या है कि फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाए अभी सोए हुए हैं जो जिंदा है ये जो सोए हुए हैं जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और उनके साथ जो सोए हुए वो जी उठेंगे और एक ये पूरा ग्रुप जो है ये हवा में उड़ कर क्या करेगा देखेंगे बादलों पर उठाए जाएंगे बादलों पर उठाए जाएंगे हालेलुया गीत गाते रहते बदला देता यीशु राजा सातों भी हवा माजे कटोले चुरा हमें सो मेरे अजीजों इस दुनिया में रहते हुए हमारी जिंदगी के बहुत से मामला हम भी दुख दर्द कमियां खाते परेशानियां आंसू है हो सकता है कि मुझे वो मकाम नहीं मिला जो मैं सोचता हूं वो मरतबा नहीं मिला शायद मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं बहुत कुछ है लेकिन मेरे अजीजों ये सब कुछ खुल जाएगा तो मसीह आए देखे वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ दे वो अपना खैमा हमारे दरमियान लगाएगा अपने पलों को हम पर फैलाएगा सबसे बड़ी प्रसन्नी खुदा उनको हवा में आएगा मसीह यीशु जब आएगा तो एक डॉक्ट्रिन जो है उसके मुताबिक पहले आसमान का और ये रैप्चर कहलाता है रैप्चर बाज लोग इसके मुकाबले में कहते हैं नहीं मसीह खामोशी से नहीं आएगा दुल्हन को ले जाने के लिए खामोशी से नहीं आएगा चोर की तरह नहीं आएगा सबके रूबरू दुल्हन को लेकर जाएगा लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं यही जिसने क्यों कहा तो यहां पर पांचवें बाब की चौथी आयत में लिखा लेकिन तुम उस देखिए तुम है भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े क्योंकि तब उन सब दूर के फर्जंदों दिन के
प्रसंग हमें रात कहना तारीखी के पस और की तरह सोना रहे बल्कि जागते और होशियार। सो मेरे जी अब चूंकि मसीह की आमद है मसीह आने वाले और ये वाली जो बात है पहले आसमान पर जब मसीह तख्त लगाएंगे और हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे और ये सारा इकट्ठ होगा पहले आसमान। और ये कहा जाता है कि इबलीस फिर जमीन पर पड़ा जमीन पर उसको महदूद कर दिया जाए और फिर तकसीम और मसीह की ये कॉन्फ्रेंस जो है सात साल के बाद फिर प्याले ले ले जाएंगे नबी आएंगे छाप लगेगी वो सारे काम बाद में। मसीह यीशु ने ये कहा था कि दो आदमी खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। ये कौन सा वक्त एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा जितने मसीह में हुए वो जी उठे और हम जो बाकी हो जिंदा होंगे हम हवा में उड़कर उसका बाकी दुनिया जिंदा नहीं हो बाकी दुनिया में क्यामत वो वाली क्यामत अभी नहीं होगी ये वो कसीह की ये क्लीसिया की क्यामत है जो मसीह में हुए वो जी ये वो जी उठी दो औरतें चक्की पीसती होंगी छोड़ दी जाएगी एक मैं चोर की मानेदार फिर लिखा है कि जैसा रूह के अयाम में हुआ उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। लोग खाते पीते थे ब्याह शादी करते थे घर बनाते थे लेकिन तो बाद में आपने सबको हलाक कर दिया उन्हें मालूम भी ना हो और फिर लिखा है कि तुम्हें गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम ये कौन सा वक्त कि गुमान भी ना होगा अचानक ये अचानक यही वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे वाजे कर। अब फिर दो बड़ी मिसालें पुराने अहदनामे में दो बड़ी मिसालें नूह की मिसाल कि जब तूफान आने वाला था तो उस तूफान में बाकी सारी दुनिया हलाक हुई लेकिन खुदा के लोग बचा लिए। फिर आपको हनूक के आसमान पर उठाए जाने का जिक्र मिलता है आसमान पर उठा दिया। खैर के आसमान पर उठाए जाने की मिसालें पुराने अहदनामे में एलिया की मिसाल मौजूद है। वैसे है इसके ऊपर वो तो खैर उस पर मैं आपको नहीं देकर जाऊंगा बहुत सी इसमें डिफिकल्टीज है लेकिन बहरहाल लूत का मामला जो है वो भी हमारे सामने कि जब आग बरसने वाली थी तो खुदा ने अपने लोगों को उसमें से तूफान आने वाला था खुदा ने अपने लोगों को बचा दिया सदूम और अमोरा में से खुदा ने अपने लोगों को बचा दिया और फिर मुकाशफा की किताब में लिखा है ऐ मेरी उम्मत के लोगों उनमें से निकल आओ ऐसा ना हो कि वो बड़ी मुसीबत तुम पर भी आ जाए। तो ये वो ललकार होगी जिस टाइम पर क्रिस के आसमान पर उठाई गई हमें चोर की तरह आ जाओ तुम्हें गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाओ और आप ये माने या ना माने कि मसीह अब भी आ सकते हमें और हम इबादत करते करते ही पहले आसमान लेने के लिए आ रहा तो कहते हैं कि दाड़ा आएगा तो सानू ले जाएगा पर इनको लेने के लिए आ रहा किस क्रिस्टिया को लेने के लिए आ रहा है कैसी क्रिस्टिया को लेने के लिए आ रहा देखा ऐसी जलाल वाली हालेलुया हालेलुया जलाल वाली क्रिस्टिया की बड़ी किस्में है सात तो मुकाशफा की किताब में होंगे सात क्लीसियाओं का जो जिक्र है वो मुकाशफा की किताब में है क्लीसिया को लेने के लिए आ रहा। अब क्लीसिया कौन सी है ये जो यूनिवर्सल पेंटिकॉस्टल है कलवरी पेंट ये वाली क्लीसिया इसका कोई जिक्र नहीं है मुस्तकबिल के तमाम वाकयात में इन चीजों का कोई जिक्र नहीं है वहां सिर्फ मसीह का खुदा की बादशाही का खुदा के लोगों का जिक्र है किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं है। अगर कहीं नामों का जिक्र है तो बाप और बेटे का नाम आंखों पर लिखा होता है। उस वक्त एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा तो दरबार में पादरी होगी उस वक्त एक ही पादरी होगा एक ही काफिर एक ही पादरी कौन होगा
हालेलुया एक ही बॉडी और हम सब उसके मेंबर हम सब उसके मेंबर अच्छा चला जिससे अपनी भेड़ों के लिए खुदा हालेलुया जलाल वाली चीज के लिए के लिए जिसके जिस्म पर बड़ा मशहूर बड़ी मशहूर आए जिसके बदन पर जिस्म पर कोई दाग कोई धब्बा और कोई छुरी ना हो अब ये देखने क्या वो कलीसिया क्या मैं हूं या ये व्यक्त मैं आया हूं इस पर मैं पूरा उतर अब यहां सोने की बात भी की आखिरी हवाला देखने को दस कुमारियों की तो सीधा बात निकली दुल्हन के स्तर बात तो निकली दसों की दस मशीन सबकी सबके पास पांच शक्ल मंदी पांच प्रेमकों की अब ये डिवीजन हो गई दो के दरमियान लफ थोड़ा सा लेकिन बाइबल क्या है अब हम पॉज यार लेकिन सो ना रहे अब वो नहीं कि सोए होंगे आमीन क्योंकि जब दूल्हा ने आने में देर लगाई थी तो क्या हुआ था सो गई थी ऊंघने लगी और फिर सो गए हजरत मूसा जब पहाड़ पर गए 40 दिन गुजरे थे तो लोगों ने कहा पापा जी बहुत हो गए खत्म हो गए क्या हुआ 40 दिनों के बाद वो सारा सबक भूल गए सब कुछ भूल गए तो देखा हुआ था आपको देखा था सब भूल गए एक बछड़ा पड़ा जिसकी पहली दिन जाकर वही उन्होंने बीच में लाके खड़ा कर दिया सबने शिरकत की थी अपनी बात की आपके जेवर उतार के 40 दिनों के बाद ही कलीसिया खुदा कह रहे देख मूसा को जिन्हें तू निकाल कर लाया थे किस कदर जश्न में अभी तो हमारे पास 2000 सालों का एक एक तरफ बिगाड़ आ गए खुदा ने देर लगाई और फिर वो उन्हें लगी सो गए आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ गया और उन्होंने अपनी मशीन तो उसकी रोशन की लेकिन जब वो जा रही थी दूल्हा के इस्तकबाल तो पांच की मशीनें बुझने लगी जिनकी बुझने लगी मशीनें उन्होंने जिनकी रोशन थी उनसे कहा मैं भी ये तेल दे
हालेलुया हालेलुया कह रहे हैं कि जाकर तो दुआ करते रहो ताकि तुम इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने के लिए आज तो मैं आपके सामने हूं आपके सामने मैं हूं आप मेरे सामने जहां से बाहर जाएंगे फैमिली है मेहमान है बहुत कुछ है ये है वो है बहुत कुछ है मेहमान आ गए इसे जगह लगा नहीं दिया लेकिन एक दिन वो मेरे सामने होगा और मैं उसके ना मेहमान होंगे ना वाशिंग मशीन होगी आज कपड़े धोने से भाई चर्च भी जाने कपड़े एक ही दिन के पास मिलता तो कुछ आदत की एक ही कई चीजें जो है वो हमारे अंदर कमजोरियां आई जाती है लेकिन ये खतरनाक खतरनाक बस जाते रहो दुआ करते ताकि तुम्हें अपने आदम के हुजूर खड़े होने का और वो वो नसीब है जब टूटा जाए जिसे कृष्णा कहते हैं तो हम भी सोए हुए के साथ जब भी उठेंगे उनके साथ हम हवा में उड़कर मसीह का इस्तेमाल आमीन हालेलुया बेशक कि हम सब मसीह का इस्तेमाल करना चाहते हैं हम में से कोई ऐसा नहीं जो ये कहे तो यहां बैठा हुआ कभी नहीं मैं तो बैठी ना दुनिया से दुनिया खत्म हो गई हर क्लास को बहुत आगे लंबा दिया लेकिन बात इस पर बात करूं आयत सब हुआ सर को चुकाए हुआ नाम की बात जरूरी में शुक्रगुजारी करेंगे बेशक खुदा का कलाम जो हमें हमेशा आगाह करता है तैयार करता है हमें बरकत देता है आए हम सब हुआ शुक्रगुजारी करेंगे और ये दुआ भी करेंगे कि ऐ खुदावंद के सुत जल हालेलुया खुदा को तेरा शुक्र अजीम रहीम तू कभी सब हुआ करें चल महान उसके मेरे से हम सब हुआ करें शुक्रगुजारी करें उसकी क्या बात की है जिंदगी का मुहासबा करें हमारी जिंदगी में अगर कहीं नाकामियत है कमजोरी है हम है खता कुछ भी है उसे अपने इकरार के जरिए से उसे दूर करें शुक्रगुजारी तेरी शुक्र गुजारी करते आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन जो हमने सुना सीखा खुदावन ए खुदावंद हमें बख्श दे कि हम तेरी पाक हजूरी में अभी से अपनी तैयारी करने वाले बन जाएं अपनी जिंदगी को तब्दील करने वाले बन जाएं खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाले बन जाएं खुदावंद ताकि जब तू आए तो हम शर्मिंदा ना हो बल्कि उठकर तेरा इस्तकबाल करने वाले बन जाएं ए खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बन जाए हमारी जिंदगियों के लिए तब्दीली का शौक हो ताकि आज से हम अगर भटक चुके हैं तो तेरी तरफ लौटने वाले बन जाएं तेरे कलाम को अपने दिल में छिपा दें इसको अपने जहन नशीन करें ताकि चलते फिरते उठते जागते वक्त ऐ खुदा नाम एहतियात से इस पर अमल करने वाले बन सके खुदा उनको चलने की कुवत दे दे क्योंकि तुझसे हट कर हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदावंद तेरी मिन्नत करते आज का कलाम ऐ खुदावंद जितनी जानों ने सुना है खुदावंद ये 30-60 करके 100 गुना फल मांगे ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हमारे खानदानों के लिए बाइस बरकत हो और ये कलाम है खुदावंद हम अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने का सौंप देंगे ताकि दूसरे सुने और बरकत पाए उनके दिलों पर चोट लगे और तेरी तरफ तेरे खादम के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद जिसको तू हमारे बीच लेकर आए उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं अपने फादर को और ज्यादा बरकत दे और ज्यादा ब्लेस कर खुदा ताकि तेरे कलाम को जमीन के इंतहा तक ले जाने का सौंप और बहुत सी खुदावंद रूहों को तेरे कदमों में लाने का जबरदस्त
आज का कलाम हम सबों के लिए वास्ते है प्रभु यीशु के नाम से मांग और पा लेंगे आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आपको पता है कि आज हमारे चर्च में खास फैमिली डे है। हम एक दूसरे के साथ इबादत के बाद बैठकर खाने में भी शरीक हो सकेंगे और अपनी फैमिली डिस्कशन भी कर पाएंगे। सीधा सीधा कह लो कि अपने दुख दर्द बयान कर सकते हैं। सो चर्च ने ये डिसाइड किया कि हम हर महीने के दूसरे अखबार इसको हम हमारे चर्च के अंदर सेलिब्रेट करेंगे। आप जानते हैं कि हम अपने अपने खानदानों से दूर बैठे, तो बतौर चर्च जो है वो हम यहाँ पर एक खानदान की सूरत में है ताकि हम एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक हो सकें, एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकें और खुदा के पास नाम को खिला दे सकें। हालेलुया। हमारे साथ रहना है जो गीत गाना चाह रही है। आप गाना चाह रही है, किनका नाम आया था? चलो ठीक है, आए जी हजी अगले गीत गाते हैं। भाई जेम्स, आपके हदीये नजराने जो है वो चर्च को, चर्च के कामों को सपोर्ट करते हैं। मैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और आप जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जो दिल में ठहराते हैं वो खुदा के हजूर लेकर आते हैं। और यकीनन हम जो अपने दिल में ठहरा कर खुदा के हजूर लेकर आते हैं, खुदा उसे कबूल करता है। हालेलुया हालेलुया आमीन। Thank you.
हम इंसानों को कुछ आमंत्रित करने के लिए तालियां बजाते हैं, बजाते हैं, लेकिन यीशु मसीह बात है गौर करने की जरूरत है। हम खुदावंत को जब वो रिस्पेक्ट देंगे, वो इज्जत देंगे, तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे, खजूरों की डालियां हाथों में होंगी, हालेलुया, और खुदा हमें लेने आ रहा होगा, कैसा ही खूबसूरत वक्त हो। आमीन। अगर आज जैसे पैसा मिला, अगर आज ही वो वक्त हो और अभी वो वक्त हो, हम में से कौन जाए? वो यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करता, नहीं है।
हम जिंदा खुदावंद को मानने वाले हैं, वो जो अपने वादों का सच्चा खुदावंद है। आमीन। सो आज के कलाम से यकीनन हम सबको बहुत बरकत मिलेगी। यस हालेलुया। मैं भाई साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आइए हदीये के लिए दुआ कीजिए। प्रेस आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाए, दुआ मांगे। खुदावंद अजीम तो बादशाह है, तो जोरावर खुदा है, तो कुदरत वाला खुदा है, मोहीब खुदा तू ही है। और खुदावंद हमारा ईमान है कि तू जल्द आने वाला है। जिस तरह हमने तेरे कलाम में से सुना है, सीखा है कि खुदावंद तू जल्द आएगा और अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को साथ लेकर जाएगा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि हम तेरे दुल्हन है और तू हमें तैयार कर ताकि हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सके। हदीये के लिए दुआ करता हूँ तेरे खुदा, जितने जानों ने, जितने हाथों ने खुदावन तेरे दिए में से तुझको दिया है, खुदावन उन सबको बड़ी बरकत दे। और ये हदीया, ये रुपया पैसा जिस काम पर खर्च हो उस काम में तेरी बरकत है खुदावन। ये हदीया तेरी अंजील की मराजी की वस्तु के लिए खर्च हो तेरे खुदा। बहुत सारी रूहें इस हदीये के वसीला से बचें और बरकत पाएं। तेरे खादिम को जिसके वसीला से आज के पंडाल यहाँ पर सजा हुआ है और हर हफ्ते सजता है, तेरे खुदा अपने बंदों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और सब जानों को जो इस वक्त तेरे हजूर मौजूद हैं, खुदा उन बड़ी बरकत देना। वक्त है जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं तो तेरा रूह कुदस हमें गाइड करे, हमारी रहनुमाई करे, ताकि फिर भी हम एक दूसरे को मिले और सारी रफाकत में तेरे नाम को जलाल दें। यीशु के नाम से दुआ मांगता और पा लेता हूँ।